अच्छे किसके बुरे, अमीश भाई ये गंदी आदत इनकी छुड़वाइए। अमीश भाई आप डिबेट को कंडक्ट कर रहे हैं तो इनकी गंदी आदत छुड़वाइए, यहां पे निर्णय देंगे। अरे सबकी गंदी आदतें धर्म गुरुओं की समस्या सबसे बड़ी है कि आप लोग ईश्वर का कॉपीराइट लेके घूमते हैं। अगर ये ठीक है, आपने विषय है, आपने अपना अपोलोन कर दिया हो तो मैं चुप रहूंगा। मैं यही अपना विरोध समझता हूं कि मैं चुप रहूंगा, कि मैं जुबान जोर नहीं हो सकता, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, मैं इस प्रकार से बदतमीज नहीं हो सकता। मुझे बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में पचास से छोटा सा इज्जत से आप तीन बारी बोल चुके हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कॉपीराइट है क्या? नहीं, आपने सवाल पूछा ना, आपके पास कॉपीराइट है? ये सवाल है आपका, आपका सवाल का जवाब देंगे एक एक करके, एक एक करके। कौन गलत, कौन सत्य, कौन असत्य? जी जवाब जवाब, सत्य कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है, और आपके पास प्रभु राम का कॉपीराइट है? ये सवाल पूछा गया है। अमीश बाबू, ये भारत में जन्मे हर व्यक्ति के पास कॉपीराइट है, एक सन्यासी के पास नहीं। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस समय की बहुत बड़ी खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट का बहुत बड़ा बयान है, कलकत्ता हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है संदेश खली के विषय पर। संदेश खली पर बहुत बड़ी टिप्पणी करी है कलकत्ता हाईकोर्ट ने, पीड़ितों का 1% भी अगर सच है, ऐसा है, तो पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। यह क्लियरली कहा है, सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार है, यह कहा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। कलकत्ता हाईकोर्ट की यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। कंचना यादव मेरे साथ यहां पर मौजूद है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, मेरे साथ इस चर्चा में कई और सारे मेहमान है, अजीज खान है। कंचना यादव, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है, इंडिया लाइंस की पार्टनर है ममता दीदी। देखिए, आपने कलकत्ता हाई कोर्ट का जिक्र किया, मैं बता रही हूँ कि एक जज ने किया होगा टिप्पणी, और इसलिए क्योंकि अभी आपने रिसेंट में देखा कलकत्ता हाई कोर्ट का ही एक जज बीजेपी ज्वाइन किया और बोला कि मैं पहले से बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी पहले से मेरे संपर्क में थी। नो डाउट, केस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी के साथ, किसी भी फीमेल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी है, आप क्या कहना चाह रही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, क्या बोल रही है आप? नहीं नहीं नहीं, एक जज जो है बीजेपी में ज्वाइन किया और कह रहा है कि मैं पहले से ही संपर्क में था और बीजेपी हमसे संपर्क में थी। नो डाउट, अगर चीफ जस्टिस ने कहा है कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं भी होगी, आपकी इन बातों को मैं एंडोर्स नहीं करूंगा, ना हमारा चैनल एंडोर्स करेगा। आई थिंक आपको बीजेपी पे पॉलिटिकल वार करना है, करिए। संदेश कली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, मैंने कहा ना मतलब मुझे नहीं लगता पैनल पे बैठा हुआ है पर कोई व्यक्ति स्वामी जी पाल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रेम शुक्ला आपको मौका दूंगा, मुझे 20 सेकंड दीजिए। स्वामी जी पाल का आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो टिप्पणी है क्या करिएगा इसके अंदर? मतलब कल तक कहा जाता था कि पत्रकार मिल गए जी, परसों तक कहा जाता था कि स्वामी मिल गए, अब कह रहा चीफ जस्टिस ही मिल गया है, मतलब कमाल हो गई है। मैं समझता हूं अमीश भाई, चाहे मणिपुर हो चाहे संदेश खाली, अभी अब से 4 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं और शक्ति की पूजा करेगा पूरा देश, और उसी शक्ति के देश में अगर संदेश खाली जैसी घटना हो तो इसका संदेश मात्र खाली तो नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है। तो मैं समझता हूं कि इस मर्म पर अगर हम मलहम नहीं लगा सकते तो इसे उधेड़ने का और इस पर नमक रगड़ने का हक हम में से किसी का नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा ना करें। मगर इसी देश में चर्चा में यह भी सुनने को मिलता है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उस शक्ति से मुझे लड़ना है। वो भी आपके तो हैरत में हो जाता हूं कभी कभी। राहुल गांधी ने बोला था, राहुल गांधी जी ने ईडी सीबीआई और जो अदर शक्तियां उसकी बात की हुई थी। हिंदू धर्म में कौन सी ईडी सीबीआई है? हिंदू धर्म में शक्ति कौन है? आपने पूरे भाषण को नहीं सुना और एक लगाया, एक से निकाला शक्ति और दूसरे से जोड़ दिया। उन्होंने असुर की भी बात की, असुर को आपने चलाया, असुरी शक्ति की भी बात की। ठीक है, जवाब प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला 30 सेकंड रिबटल। देखिए, संदेश खाली की दलित महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ शाहजहां शेख नाम के व्यक्ति ने जिस तरह का क्रूर कुकर्म किया, उसके समर्थन में सुश्री ममता बनर्जी का खड़ा रहना अमानवीय, असंवेदनशील था। और कोलकाता हाईकोर्ट ने आज उन पर टिप्पणी करके उनको आईना दिखाया है,
लेकिन लोग आजकल हाईकोर्ट पर भी ओछी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। ये देख रहे हैं आप कि अदालत की अवमानना करने से भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अजीज खान, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ मुद्दों को राजनीति से दूर करना चाहिए? जी न्यायमीज भाई, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, महिलाओं पर अगर कहीं पर भी अत्याचार हो रहा है तो बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोर्ट की भी टिप्पणी है और सामाजिक दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए। देखिए मैं बताऊं कि अभी देखिए स्वामी दीपांकर जी कह रहे थे, देखिए बहुत ही बड़े धर्मगुरु हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मणिपुर जलता रहा, महिलाएं जलती रही, हमारी बहन बेटियां जलती रही, लेकिन यही बीजेपी है एक शब्द बोलने में घबरा रही थी। ठीक है, नहीं देखा दिल्ली में जहां पूरी सरकार कैबिनेट बैठती है वहां महिला खिलाड़ियों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। साहब माननीय मोदी जी, ओके स्वामी दीपांकर जवाब 30 सेकंड, स्वामी दीपांकर जवाब, क्योंकि आपने स्वामी दीपांकर से पूछा, उनका जवाब लेना जरूरी है। स्वामी दीपांकर, लेकिन 20 सेकंड, महिला को न्याय नहीं मिल पाया न्याय, क्यों नहीं मिल पाया? कौन जिम्मेदार होगा इस बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े वादे करने से, दावे करने से? आप सही नहीं हो जाएंगे। बात पर हम बात महिलाओं की कैसे हैं, अब आपने बोल दिए सम्मान की बात भी। जी स्वामी दीपांकर, अजीज भाई की बात पर इतना ही कहूंगा, बेटी बेटी है, चाहे देश की है या विदेश की, बेटी बेटी है। हम लोगों तो पंजाबी में एक शब्द है ना कि धियां सांझियां होंदियां, तो बेटी तो सबकी होती हैं। अगर बेटी के पास कोई बात हो या बेटी के साथ कोई बात हो तो उसका मुकाबला हर किसी को डटकर ही करना चाहिए, सटकर करना चाहिए, कम से कम हटकर नहीं करना चाहिए। जहां बात अजीज भाई ने कही, मैं इतना ही कहूंगा कि कभी भी सियासत आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, अटल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देश को रहना है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने आर पार को इतना प्रेम दिया, नंबर वन कार्यक्रम आपने लगातार बनाए रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर बदस्तूर जारी है।